ये मेरे हाथ में कुछ आधार कार्ड हैं, ये संतोषी हैं, ये लीजिए संतोषी जी आपके आधार कार्ड, और ये जीटी रोड है, कैमरा घुमाइए अपना, ग्रैंड ट्रंक रोड। जब इतिहास पढ़ते हैं तो शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं, सम्राटों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी राजस्व व्यवस्था पढ़ते हैं, कारोबार को लेकर उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पढ़ते हैं। फिर कारोबारी अंग्रेज़ आते हैं, फिर आज़ादी की लड़ाई होती है, फिर गांधी जी जंतर देते हैं कि जब भी अहम आभी हावी हो तो जिस सबसे कमज़ोर व्यक्ति को तुमने अपने जीवन में देखा है उसकी शक्ल याद करो और अपने आप से ये पूछो कि तुम जो अगला कदम उठाने जा रहे हो उससे उस आदमी की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हारा अहम चला जाएगा, अहम चला जाता है, सवाल रह जाता है सबसे कमज़ोर आदमी। जीटी रोड के किनारे हम जा रहे थे, कानपुर ये शहर है, कानपुर लोकसभा है, मेरा नाम सौरभ है, आप लल्लन टॉप देख रहे हैं, पर ये फ़िलहाल उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। ज़रूरी ये है कि जीटी रोड के किनारे ये एक बस्ती है, जो बस्ती है पिछले 20 साल से यहाँ बसी हुई है, जहाँ बांस का चेक का काम होता है। यहाँ पे हमने लोगों से बात की, पूछा उनके पास क्या सरकारी सुविधाएं नहीं हैं, और जो जवाब आए मुझे लगा कि वो जवाब आप तक पहुँचने चाहिए, ताकि अगली दफ़ा कोई भी पार्टी आके आपके सामने कोई भी दावा करे तो आप इसके बारे में भी पूछ सकें। ये भी इस देश के नागरिक हैं और कुछ के पास तो आधार भी है। संतोषी आपकी कितनी उम्र है? अभी ये पापा को पता है। पापा को पता है? स्कूल गई हो कभी? नहीं नहीं गई हो। तुम्हारा नाम पूजा है? ये तुम्हारी बहन है? हाँ। कन्नौज से आए ये लोग, ये कौन है? ये भाई की लड़की, भतीजी है। भाई की लड़की। कुछ काम करते हो तुम लोग? चटाई का काम। क्या क्या कैसे? ये चटाई तुमने बनाई है? नहीं, हाँ पापा ने बनाया है। पापा, तुमने कौन सी चटाई बनाई, दिखाओ हमको। ये कौन सी? ये जो टंगी है। ये जो टंगी है जी। तुम भी कभी स्कूल नहीं गई हो? जी नहीं। तुम्हें पता है अपनी उम्र? जी हमारी 14 साल होगी। तुम्हारी 14 साल? ये बड़ी है तुमसे? 17 होगी। इनकी 17 होगी। इनको पता है, इनको नहीं पता है? अच्छा, तो ये बताओ तुम लोग खाना कहाँ बनाते हो? ये चूल्हे में? जी। लकड़ी कहाँ से लाते हो? जी नहरिया से। नहरिया से? नहरिया कहाँ है? जी राजा आगे। और तुम्हारा आधार के अलावा कोई घर वालों का वोटर कार्ड वगैरह कुछ बना है? जी नहीं। नहीं बना है? कभी कोई सरकारी अधिकारी नहीं आता है पूछने यहाँ कैसे रह रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? अच्छा, बाहर आ जाओ जरा, और चीज़ें बताओ। तो इनमें से बच्चों में से कोई स्कूल पढ़ने जाता है क्या? जी जाता। नमस्ते, क्या नाम है आपका? युवराज। युवराज पढ़ने जाते हो? युवराज कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। LKG। LKG में पढ़ते हैं, वेरी गुड। और ये बहन पढ़ने जाती है? ये मेरी बहन है। ये तुम्हारी बहन है? इसका क्या नाम है युवराज? परी। परी, तुम युवराज हो, ये परी है। परी जाती है स्कूल? नहीं। ये आपके बच्चे हैं? नहीं। किसके बच्चे हैं? जिसके बच्चे हैं। अच्छा, उनके बच्चे हैं। तो ये बताओ, आप लोग जब यहाँ रहते हो तो शौचालय वगैरह के लिए कहाँ जाते हो? डरो नहीं, सही सही बताओगे तभी कुछ हो पाएगा, झूठ बोलोगे तो कोई फायदा नहीं। बताओ। ये सुलभ में जाते हैं? सुलभ में सब लोग जाते हैं, पुरुष? हाँ। वहाँ एक भाई साहब खड़े थे, वो कह रहे थे हम पटरी पे जाते हैं। हाँ, पटरी में लेडीज जाती हैं शौचालय में, और जेंट्स जाते हैं लेडीज में। जेंट्स कहाँ जाते हैं? लाइन में। ये सामने रेलवे की लाइन गुजरती है, रेलवे पे जितने भी शोध होते हैं उसमें ये बार बार बताया जाता है कि कैसे रेलवे के ट्रैक सबसे बड़ा खुला शौचघर बने हुए हैं भारत में। इन लोगों की अपनी मजबूरियां हैं, इनके पास शौचालय नहीं है, और ये नहाने के लिए यहाँ बना रखा है इंतजाम। जी। पानी कहाँ से लेते हो? जी वहाँ पर एक कॉलोनी बनी है, उसी से। कॉलोनी बनी है, वहाँ से पानी लेते हो? अच्छा, और काम क्या करते हो आप लोग? चटाई का। चटाई, ये कितने का है? ये चिक जो बना हुआ है, ये कितने का है पता है तुमको? नहीं पता। कौन बताएगा? घर में कोई है नहीं, पापा। घर पापा कहाँ गए? पापा थोड़े काम से गए। काम से गए। और ये दादा हैं? जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मन्ना। मन्ना कहाँ के रहने वाले? कन्नौज। तो कन्नौज से यहाँ सड़क के किनारे क्यों रहने लगे आके? नहीं, हम तो माल लाते हैं, इनको सेल कर देते हैं। अच्छा, कब से ला रहे हैं माल? हम तो कम से कम 15-20 साल से ला रहे हैं। तो आप वहीं कन्नौज रहते हैं? जी, कन्नौज सिटी में रहते हैं, बिल्कुल डीटी रोड पे। आपका वोटर कार्ड वगैरह बना हुआ है? जी। वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। कैसा काम कर रही है सरकारें?
बढ़िया काम कर रही। कौन बढ़िया काम कर रहा है? मोदी। मोदी बढ़िया काम कर रहा है। कौन चुनाव लड़ रहा है कन्नौज से? सुब्रत पाठक। अरे वाह, चचा तो बड़े जागरूक हैं। कन्नौज से भाजपा के टिकट पर सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2014 में करीबी अंतर से हार गए थे। एक बार जीत गए तो उनके संग बेईमानी हुई, 30,000 वोटों से आगे थे, और जब उनको पता चला अखिलेश को तो वो फौरन चले आए, वहाँ बत्ती गुल हो गई, वो हल्ला मच गया कि वो जीत गए, बस जीत गई, डिंपल जीत गई, डिंपल जीत गई, वो सब लोग भर्रा मच गया। 2014 के कन्नौज लोकसभा चुनाव के लेकर कई लोगों का कन्नौज में ये मानना है कि सुब्रत पाठक जो भाजपा कैंडिडेट थे उनको सपा की डिंपल यादव के खिलाफ बढ़त हासिल थी, जैसा इन्होंने मन्ना ने बताया, और बाद में प्रशासनिक दबाव में हुआ, ऐसा कई लोग इल्ज़ाम लगाते हैं। इस बार फिर से सपा बसपा रालोद की कैंडिडेट डिंपल यादव का मुकाबला वहाँ पे सुब्रत पाठक के साथ है। ज़रा आगे मैं चाह रहा हूँ प्रतीक्षा, आइए, ये हमारी साथी हैं प्रतीक्षा, कानपुर की रहने वाली हैं और नारी की एडिटर भी हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आप इन महिलाओं से यहाँ जो हैं आगे हैं उनकी जीविका के बारे में बात करें, और ये हमें ज़रूर जानना चाहिए, शौचालय की दिक्कत, स्नानागार की दिक्कत, वोट डालने जाते हैं नहीं जाते हैं, इन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, क्या खाते हैं, कहाँ बच्चों को भेजते हैं, अपनी जमा पूंजी कहाँ करते हैं, इसके बारे में बात हो। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है। ज्योति, कितने साल से रह रही है यहाँ पे? ये तो करीब हो गई 20 साल हो गई करीब। शादी होके आई थी क्या? आप पैदा यहीं हुई? नहीं, शादी होके आई थी। माँ बाप नहीं है ना मेरे, तो यहीं सास ससुर बूढ़े बड़े हैं, वो मेरे ही साथ रहते हैं। तो क्या काम करती हैं? यही चटाई का ही काम होता है। चटाई सारी यहाँ बनाती हैं या बेचती हैं, क्या करती हैं? बना के बेचती हैं? बेचते हैं, बना के बेची जाती है। हाँ, बनी बनाई, पहले तो बनाते थे हाथ से, अब तो ये है कि बनी बनाई आती तो आओ कपड़ा बड़ा चढ़ाओ बेच दो भैया। ये मतलब पहले ऐसा धंधा था, अब नहीं रहा बिल्कुल, अभी बरसात में और बेकार हो जाएगा, खाने तक के लाल हो जाते सबको। अच्छा। बरसात आने में तो बरसात आने में घर पे यहाँ दिक्कत तकलीफ होती होगी? तकलीफ होती है, एक हमने ली भी थी जगह तो वहाँ पे बांस हास का बना रखा था, तो 21 मार्च को वहाँ आग लग गई हमारे यहाँ, और पूरा सामान वामान सब पूरी गृहस्थी वहाँ की जल गई, तब से फिर यहीं है। बिटिया की भतीजी थी, उसके माँ बाप नहीं थे, उसकी गोद भराई के सारे कपड़े अपड़े गहने वगैरह थे सारे सब जल गए। बगल में एक दीदी है, वो बता रही थी कि कभी कभी आते हैं और यहाँ पे खाली करवा देते हैं, तुड़वा देते हैं सब। नगर पाल वाले आते हैं। तब क्या करते हैं आप? अब तब क्या करते हैं, उस पट्टी लेके भागना पड़ता है, धूप में बैठे बच्चे, जब बरसात में बैठे, जब वो लोग चले जाते तो फिर आ जाते हैं। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? पढ़े नहीं है, थोड़ा बहुत जानते हैं बस। बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है? आपका वोटर कार्ड बना है, वोट डालती हैं? बना है। वोटर कार्ड दिखाएंगे आप मुझे? रखा अभी परसों ही, नसों आया, परसों आया है। तो कौन, बहन जी आपको कौन देके गया वोटर कार्ड? ये तीन चार साल हो गए जब से डालते हैं। तीन चार साल से वोट डालते हैं, तो वोट डलवाने कौन ले जाता है आपको? वोट तो खुद ही जाते हैं हम यहाँ, अपने मन से डालती हैं। हाँ। कौन नेता अच्छा लगता है आपको? भैया जो सहायता कराएगा वही नेता अच्छा है। अभी कौन सहायता करा रहा है? अभी तो मोदी करा रहे हैं। मोदी करा रहे हैं, क्या अच्छा लगता है मोदी में? हर चीज की सहायता करती है। क्या बताइए जरा कुछ? अब ऐसे क्या बताएं? अरे आपने कहा ना हर चीज की सहायता करती है, तो क्या चीज की सहायता? मतलब कॉलोनी वाला ने सबके लिए कर दिया है, ये पैसे वगैरह में लोन उनका भी कर दिया है। आपको कोई लाभ हुआ पिछले 5 साल में? आपको उम्मीद है कि आगे होगा? हाँ, ये है उम्मीद है, जीत जाएंगे तो सब शायद हो जाए, उम्मीद जीत जाए तो हो जाए। हाँ, कहाँ रख दी है? बहुत संभाल के रख दिया वोटर कार्ड आपने लगता है। सब कागजों में मिल हो गए ना। हाँ। बैंक में खाता खुला हुआ है आपका? हाँ, खुला हुआ है। अच्छा, आधार कार्ड भी बना हुआ है। ये पानी पिटिया कहाँ से भर के लाई हो? ये सामने अंदर से, अंदर से भर के लाई, अंदर से लेकर आए। पानी की दिक्कत बहुत है, तो जब यहाँ से हटा देती है सरकार तब फिर कहाँ जाते हो आप लोग? उसी पट्टी फिर रहते हैं हम लोग। और सामान सब ये समेट के ले जाती, सब टूट जाता है फिर? टूट जाता सारा। उस पार मतलब सामने हम लोग चले जाते हैं, और ये पूरा खोद जमीन खोद देते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया
ये तो आपकी वोटर स्लिप है, है ना? अब चुनाव आयोग ये घर घर स्लिप भेजने लगा है, पहले राजनीतिक कार्यकर्ता ये काम करते थे। आपका नाम है सोनू? नहीं, सोनू तो आपके पति का नाम है। आपका नाम ज्योति है? सोनू आपके पति का नाम है। और ये सर्वोदय नगर में वोट गिरेगा, विधानसभा लगती है गोविंद नगर। अच्छा, तो सोनू जी क्या करते हैं बहन जी? चटाई का ही काम करते हैं। हाँ, बच्चे कितने हैं आपके? ये तीन है। हाँ, ये बिटिया है दोनों? हाँ, ये बिटिया बड़ी और एक ये और एक लड़का। इनमें से अच्छा युवराज आपका बेटा है? हाँ, ये भी है मेरे। ये, क्या नाम है इसका? इसका परी, अंशी का परी, दोनों अच्छा, नाम। ये तो वहाँ आलू खा रही थी अभी। इनमें स्कूल जाते, बिटिया स्कूल जाती हो? जाते है सर। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? पांचवी। पांचवी में पढ़ती हो, कहाँ पढ़ती हो? ये एलट पीछे स्कूल है, उधर ही सरकारी है। खान दोपहर का खाना मिलता है वहाँ पे? यस। क्या मिलता है खाने में? बेकार खाना आता है, खा ही नहीं पाते। बेकार खाना आता है, रोटियां कच्ची पक्की आएंगी, तहरी भी बेकार आती है। और यहाँ से हम लोग घर से खाना ले जाते हैं। घर से खाना क्या बना के देती हैं मम्मी? मम्मी कभी आलू का पराठा, कभी तो तुम मेहनत से पढ़ाई कर रही हो कि नहीं? जी सर करती हो। यहाँ कोई पुलिस वाला कोई परेशान करने आता है? नहीं, वाले ज्यादा आते जो हटाना। पैसा ले जाते हैं क्या? पैसा नहीं, पैसा तो फिर नहीं ले जाते, बस हटवा देते सारा सामान वामान, ये तोड़ ताड़ देते हैं दोबारा। आपका ये वोटर कार्ड बना है, कोई आयुष्मान भारत का भी कार्ड बना है या कोई और कार्ड बना है क्या? अभी नहीं। तो ये बताइए बहन जी, सरकार क्या करे जिससे आपको, क्या मकान चाहिए, शौचालय वगैरह कैसे जाते हैं आप लोग? शौचालय जाते हैं, 5 रुपये रोज देना पड़ता है उसके। 5 रुपये रोज शौचालय का? तब तो जाने देते हैं। तब जाने देते हैं। और पुरुष कहाँ जाते हैं? पुरुष भी वहीं जाते हैं शौचालय में। सही बताइए, ऐसे नहीं। अब जब से लैन का आगू हो गया ना, तो सबसे शौचालय ही जाते हैं। वैसे लैन के किनारे ये लोग बैठ जाते थे, पुरुष चले जाते थे, जब से वो हो गई ना शक्ति ज़्यादा हो गई तो शौचालय ही जाते हैं। बहन जी कह रही हैं कि सामने ये जो रेलवे की पटरी है इसके किनारे बैठ जाते थे, शक्ति हो गई। कौन शक्ति करता है? ये रेलवे वाले कर ले, जो सफाई आ रही हो रही है ना, इसलिए पटरी बढ़ रही है। पटरी बढ़ रही है, लैन पड़ेगी उस पट्टी में, तो इसलिए पूरा अभियान चल गया। तो उधर अभी ये कुछ नहीं मिले तो कम से कम घर तो रहने के लिए मिल जाए, जिसको सब चीज़ का आराम हो जाए, इतना तो हो ही जाए। किनसे पूछिए प्रतीक्षा जी? हम क्या नाम है आपका? रचना। रचना, रचना आप किस घर में रहते हैं? आपका आधार कार्ड देखा मैंने। आधार कार्ड है? वोटर्स कार्ड नहीं बना आपका? नहीं। कभी कोशिश नहीं की बनवाने की? नहीं। क्यों, आपको वोट नहीं डालना है? आपका वोट नहीं बना है? नहीं बना। आपको वोट नहीं डालना है? डालना है, बना ही नहीं है। तो आपने फॉर्म भरा था? आपने बनवाने की कोशिश की थी कार्ड? कोई आया नहीं आपके पास की वोट? कोई नहीं, कोई नहीं आया, कोई आता ही नहीं यहाँ पर। कितने साल से रह रही हैं? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आप पैदा यहाँ हुई थी? पैदा यही, शादी यही हुई, यही सड़क पे ही रह रही हैं। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई कुछ की आपने? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे साथी हैं गौरव, गौरव समग्र के नाम से एक गवर्नेंस की कंसल्टेंसी फर्म चलाते हैं, चुनाव देखने के लिए ललनटॉप की टीम साथ जुड़े हैं, आईआईटी के पढ़े हुए हैं, कई सरकारों के साथ काम कर रहे हैं। गौरव, हम ये जानना चाहते हैं कि ये लोग जो सड़क के किनारे 20 साल से रह रहे हैं, जैसे सोनी जी हैं, पूजा जी, अर्चना जी, जो यहीं सड़क किनारे रह रही हैं, यहीं पैदा हुई, यहीं इनकी शादी हुई, इनका आधार कार्ड बना है, वोटर आईडी कार्ड वगैरह नहीं बना है, क्या किसी राज्य सरकार ने इस मॉडल पे काम किया है कि जिन लोगों का कोई स्थायी पता नहीं है उन तक मूलभूत सुविधाएं कैसे पहुंचाई जा सकें? एक बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है देश भर में कि जितने भी माइग्रेंट लेबर है या जितने लोग एक स्थायी घर में नहीं रहते हैं उन पे सरकार अपनी योजनाएं कैसे पहुंचाए। इसके लिए एक दो काम चल रहे हैं, एक तो केंद्र सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक एफर्ट चल रहा है कि इस प्रकार के सभी लोगों का एक डेटाबेस बनाया जाए, जिस पे अभी काम शुरू हुआ है लेकिन अभी उसमें काफ़ी होना बाकी है, जिस तक केंद्र सरकार की जितनी स्कीमें हैं वो एक इन सब लोगों तक पहुंच पाए। दूसरा मुझे ध्यान आता है कि लगभग 10 वर्ष पहले गुजरात में मोदी सरकार ने एक लेबर के लिए एक आइडेंटिटी कार्ड, माइग्रेंट लेबर के लिए इन पर्टिकुलर आइडेंटिटी कार्ड बनाना शुरू किया था, क्योंकि गुजरात में काफ़ी अन्य राज्यों से लोग आके काम करते हैं, बहुत पहुंचते हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों से, तो उनके लिए कार्ड बना था कि वो आए जाएं किसी और राज्य में जाएं वापस आएं तो भी वो स्थायी रूप से वो काम कार्ड रहेगा
और उसको गुजरात सरकार कुछ कुछ जो है अपनी ओर से सुविधाएं देने का प्रयास करेगी। किस तरह की सुविधाएं? अलग अलग प्रकार का है, तो राज्य सरकार की जितनी स्कीमें हैं उसमें उनका जुड़ाव हो, चाहे उनका स्थायी पता नहीं है, बट जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड चीज़ें हैं, टॉयलेट वगैरह उसमें नहीं हो सकता, बट बाकी जो सुविधाएं हैं उसमें वो भी अंकित हो, उनका भी जुड़ाव हो, वो सोच थी। लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वो रहा ऐसा नहीं है। अब केंद्र सरकार की पहल है, देखते हैं कि कहां तक जाती है। केंद्र सरकार ने कोई इस तरह मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है पूरा डेटाबेस पहले सबसे पहला काम वो है कि एक जगह जानकारी हो, उसके ऊपर ही जो है बाकी चीज़ें बिल्ड करी जाती है। जब इन लोगों का कोई स्थायी पता नहीं, ये इंक्रोच किया गया है, वो खुद भी बता रहे हैं कई बार लोग कि आते हैं नगर पालिका वाले, नगर निगम वाले हटा देते हैं, तोड़ जाते हैं, साल भर में आते हैं। फिर आप लोग कहाँ जाते हो जब तोड़ जाते हैं? जब तोड़ जाते फिर लगा लेते हैं अपना, चले जाते तो फिर अपना लगा लेते हैं। बीमारी मार पड़ते हैं बच्चे तो कहाँ ले जाते हैं? हाँ हिलट में ले जाते हैं, पीछे हिलट। और आपका वोट नहीं बना कभी किसी ने? कहा नहीं आके कि तुम्हारा किसी वोट ने नहीं कहा? ये चुनाव आयोग के लिए भी ये भी एक कारण है, क्योंकि वोट नहीं बना हुआ है तो किसी का ध्यान राजनीतिक तरफ से जो है इस तबके के ऊपर कम रहेगा। जब वोट बनेगा तो फिर लोगों का ध्यान कम से कम राजनीतिकों का ध्यान जाएगा तो ये स्कीमें भी ज़्यादा तेज प्रकार से चलेंगी। बट वो ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग के लिए भी एक चैलेंज है कि अगर एड्रेस परमानेंट नहीं है तो किस तरह से जो है वोटर आईडी कार्ड पहुंचाया जाए। अच्छा, आप ये चाहती हैं कि आपका वोटर कार्ड बन जाए? क्या होता है वोटर कार्ड पता है? वोट डालने के लिए। और वोट डालने से क्या होता है, कुछ फायदा होता है, फर्क पड़ता है? बताओ क्या आपको क्या लगता है, वोट कार्ड बन जाएगा, वोट डालोगी तो क्या होगा? सरकार सुविधा देगी। वोट डालोगे तो सरकार सुविधा देगी। तो कोई आपके यहाँ पे वोट मांगने आया आजकल में पिछले एक हफ्ते में? कभी नहीं, कोई नहीं आया। आई आ गया, ये क्या नाम है आपका? सोनू जी। अच्छा, ये आपकी पत्नी है, युवराज के पापा हैं आप जी। ये बताइए, महिलाएं तो सब बोल रहे हैं कि हम सुलभ शौचालय चले जाते हैं 5 रुपए खर्च करके, और पुरुष सब रेल की पटरी पे चले जाते हैं। अभी बीच में कुछ लोग पकड़ भी गए थे, ट्रेन रुक गई थी तो सब लोग को ले गई थी कन्नौज। विस्तार से बताइए क्या हुआ था। जैसे लैट्रिन गए थे तो गाड़ी सुबह 7:30 वाली निकली तो वहाँ रुक गई, तो GRP वाले सब उतरे, सब लोग को पकड़ ले गए थे। तो टॉयलेट कर रहे थे पटरी किनारे, उनको पकड़ ले गए, सबको ले गए थे। फरकाबाद। फिर क्या हुआ वहाँ पे? फिर वहाँ से नहीं हम नहीं गए। हाँ, जुर्माना पड़ा था, छूट गए थे। जुर्माना? अब जो भी पड़ा हो वहाँ पे जुर्माना, उस टाइम तो हम नहीं थे। आपके घर से भी कोई था? कोई नहीं था, दूसरे लोग पकड़े गए थे, उस टाइम हम नहीं थे, हम और कहीं थे। डर के मारे कोई जाता ही नहीं है लाइन पटरी में। कहाँ जाते हैं? सुलिपी में सब जाते हैं, चुप्पे ही बैठ जाते हैं जाके अपना, या फिर चुपचाप जाके बैठ जाते हैं रात में। रात में सुविधा ही नहीं है और दिन में शौचालय, ऐसा ही है ना? जी। अच्छा, और बच्चों को कहाँ स्कूल भेजते हैं? बच्चों को तो ये बना है यहाँ पे हेलेट में। अच्छा, जो आप जैसे ये चेक वगैरह का काम करते हैं, पैसा आता है वो पैसा क्या बैंक में जमा करते हैं, यहीं सुरक्षित रखते हैं? यहीं से जब फिर काम में लगाते हैं, फिर अपना चालू कर लेते हैं। बैंक में नहीं है खाता, कुछ लोगों का नहीं है, बाकी हम लोग का तो है। आपका तो वोट भी बना हुआ है? हाँ, वोट भी बना हुआ है। कोई वोट मांगने आया? नहीं। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? 20 साल से? कितने साल? यहाँ से तो हम इतने बड़े हो गए, हम तो पहले 80 फीट रोड पे रहते थे, वहाँ भी सड़क किनारे रहते थे। हाँ जी, तो वहाँ से यहाँ आ गए। वहाँ की जगह बिक गई, पहले पापा भी वहीं चौकीदारी करते थे खन्ना गैरेज में, तो वो जब जगह ही बिक गई, गैरेज बिक गई, तो हम लोग इधर आ गए। पानी आनी बरसता है सब, तब सब यहीं सब यहीं रहते। कभी कोई सरकारी अधिकारी नहीं आता कि तुम लोगों को कोई जरूरत हो? नहीं हो कुछ नहीं, कुछ नहीं आता, भगा देते हैं बस। आक्रमण वाले आते हैं, भगाते हैं, थोड़ी देर इधर उधर हो जाते हैं, फिर लगा लेते हैं, अपना यहीं रहते हैं। अच्छा, कभी कोई हेल्थ महकमे का नहीं आता है परिवार नियोजन के बारे में बताने के लिए कि बच्चे कम करो, उनको पढ़ाने भेजो, इस तरह की बात करने भी कोई नहीं आता? कोई नहीं। क्या लेके आई बहन जी? अरे ये तो मेरी ये हमारी रिपोर्ट है। वहाँ पे हम लोग रहते थे। हाँ। तो वहाँ मैं अभी आग ही लग गई थी 2 महीने पहले, कुछ नहीं हुआ। नीरज वाजपेयी के यहाँ गए, पचौरी के यहाँ भी गए, किसी के यहाँ कोई हेल्प नहीं मिली। लड़की का पूरा सामान भी जल गया था, सारा मेरा पूरी गृहस्थी का सामान हम लोग का पूरा वहाँ पे ही बनाए थे। भट्टा GT रोड के पास थाना काकादेव में घटित अग्निकांड की नकल कापी
आपने खबर दी थी, आपका नाम राजू, आपका नाम सोनी है? नहीं। हाँ, खबर देने वालों ने दूसरों ने दी थी। अच्छा। उनका नाम पड़ा है आगे का मैं। प्रकार आवासीय झोपड़ी, झोपड़ी में आग लगी है। मनुष्य मरे शून्य, पशु शून्य, जीव बचाए शून्य, पशु शून्य। तो इसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं? कुछ सुनवाई नहीं पूरी। ये आपका भी तो है, ज्योति पत्नी सोनू का घरेलू सामान जल गया, आपका सामान जल गया। मेरा ही सामान तो था सारा। कहाँ पे थी ये झुग्गी? ये जहाँ पे रेलवे के पीछे जगह ली थी हमने, ना कहीं यहाँ बच्चे रहते, बेरवेर हटाया जाता है, तो जब से ऐसी जगह ले ली थी, तालाब की जगह थी वो, तो बनवाए हमने। तालाब की जगह किससे ले ली थी? ये सब वही लोहारन मिट्टा, ये वैसी जगह है। इसको 2 साल करीब। पैसे कितने देने पड़े थे? हम लोग ने ली थी 60,000 की। 60,000 रुपए में आपने वो जमीन ली थी? कोई कागज मिला था जमीन का? हाँ, ऐसे ही 100 वाले पे लिखा पड़ी हुई थी, बस 100 वाले पे लिखा पड़ी हुई। 60,000 रुपए में आपको तालाब की जमीन दे दी गई जी। आपने उस पे झुग्गी डाल ली। हाँ। वोटर कार्ड भी उसी झुग्गी पे बना है? वही बना है सब। फिर अब जल गई झुग्गी, तो वहाँ जमीन पे कौन है? कुछ नहीं है अभी तो, कोई नहीं। 1-2 महीने होगा करीब, कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। तब भी कुछ नहीं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। लड़की का पूरा दहेज का सामान रखा था, 15 तारीख को शादी करी उसकी, फिर जैसे तैसे उसको निपटाया, शादी कर दी उसकी ऐसे ही। कितनी उम्र है बहन जी आपकी? मेरी तो करीब होगी 20 साल की होगी। लड़की का दहेज मतलब उसका भतीजी है ना, उसके माँ बाप नहीं थे। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी थी 19 साल। 19 साल उसके माँ बाप नहीं थे, मामा मामी थे हम लोग, मतलब हमारे ही पास रहते थे हम ही लोग। नहीं, लोगों ने कर्जा करके किया है, जैसे जैसे सब हम लोग का 50,000 रुपए कर्जा हो गया, टेंट वाले की पर्ची अर्जी सब रखी है। सब इधर उधर से 10,000 किसी ने लिया, 20,000 किसी से। ब्याज कितना देंगे अब उस पे? 10 रुपए सैकड़ा। 10 रुपया सैकड़ा ब्याज। सोच सोच के हम लोग की इतनी हालत खराब है, काम एक पैसा का नहीं है, और क्या कहते हैं ब्याज इतना। लड़की को उस समय करनी थी, कार्ड वार्ड सब छप गए थे, पहले कह दिए नगर निगम, उन्होंने नीरज वाजपेयी ने कार्ड छपवा के लेके आओ, कार्ड छप गए तो अब मुकर गए, फोन करना बंद कर दिया, कह रहे आप लोग तैयारी करो। यहाँ के सभासद हैं, पांडव नगर के सर्वोदय नगर, कोई कुछ नहीं करता, सबको जब बोर्ड मिल जाता तो फिर कुछ नहीं करते, जा के चक्कर लगा के बैठ गए हम लोग। तो अभी आप लोग वोट डालने जाओगे? हाँ, अभी जाएंगे। कौन से नेता ने अच्छा काम किया है? जिस नेता के पास गए थे उन्होंने कितनी अच्छा किया। मोदी को डालेंगे? क्या अच्छा लगता है मोदी में? मोदी के वजह से हमारे लड़के का नाम आ गया स्कूल में, बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। 5,000 रुपये आए थे स्कूल में, 5,000 रुपये आए थे इसके लिए, कॉपी किताब के लिए। पांडू नगर में राशन कार्ड बन गया, हम लोग का सब कुछ काम हो गया, सब चीज है। चलिए देखिए, ये जेरी हम लोग कितनी देर से बातचीत कर रहे हैं? ये 23 मिनट से। ये 23 मिनट की बातचीत, हिंदुस्तान में गवर्नेंस जब पढ़ाई जाए तो उसका एक चैप्टर हो सकती है, एक सैम्पल स्टडी हो सकती है। 60,000 रुपये ये देते हैं अवैध रूप से, किसी से ज़मीन खरीदते हैं जो कि सरकारी ज़मीन है, तालाब की ज़मीन है, एक स्टैम्प पेपर पे जिसके ऊपर ये अशोक का चिन्ह बना रहता है, आई से आयरनी पढ़िए, चिन्ह के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। इनका सत्य है कि इनको सरकारी ज़मीन किसी यहाँ के झुग्गी माफिया ने 60,000 में बेच दी, एक स्टैम्प पेपर पे लिख के। इनका दूसरा सत्य ये है कि इनको अपने परिवार में किसी की शादी करनी तो 10 रुपये सैकड़ा पे ये ब्याज ले रहे हैं। तीसरा सत्य ये है कि सरकारों से इनकी उम्मीद इतनी कम है कि अगर बेटे का एडमिशन हो जाता है युवराज का, 5,000 रुपये मिल जाता है वो, तो ये कृतज्ञ महसूस करते हैं उस सरकार के प्रति। यानी सरकारें अगर थोड़ा थोड़ा करके भी इन तक लाभ पहुंचा रही तो ये सरकारों को याद रख रहे हैं, इनका वोट है। ये कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, उसकी इन्होंने वजहें भी बताई। ये हैं जिनका वोट ही नहीं है, और सबसे बड़ी समस्या इनकी ये है जो हम लोग गौरव से भी बात कर रहे थे, प्रतीक्षा भी बात कर रही हैं, रोज़ी रोटी के अलावा, कि चूँकि सड़क किनारे झुग्गी है तो नहाने के लिए तो फिर भी इन्होंने पर्दा डाल के ये देखिए ऐसे बना लिया है। जो आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं इसके लिए? ये ऐसे कतार में कई घर हैं, कितने घर होंगे? 2 हैं 20 2 दर्जन के लगभग तो लग रहे हैं, 24 लगभग। और आज से 25-30 साल पहले मैं जब स्कूल जाता था तो साइकिल से गुजरता था इस सड़क से, तब भी यहाँ पे ऐसी ही झुग्गियाँ होती थी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता था और बांस का होता था, बिटिया सर एलारी पैदा भी नहीं हुई थी तब, हैं। तो
ये वो चीज़ें हैं जिन पे सरकार भी ध्यान दे और समाज भी ध्यान दे, है ना। झुग्गी जल गई, नुकसान हुआ, ये लीजिए बहन जी आपका। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब ये युवराज बड़ा होगा तब ये युवराज भी इसी जीटी रोड के किनारे रहेगा या युवराज किसी आवास में रहेगा? क्या युवराज पढ़ाई करेगा? उसको ये उसका वोटर आईडी कार्ड, सारे कार्ड बनेंगे, उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आएगा, परिवार नियोजन का महत्व, कि ये सब एक सरकारी नारा बन के रह जाएंगे? ये जवाब हमें और आपको ज़्यादा तय करना है, क्योंकि हम प्रबुद्ध हैं। जिसके पास शक्ति होती है विचारों की, संसाधनों की, उसकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर। दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।